वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं, ताकि मैं सेशन को कंफर्टेबली आगे बढ़ा पाऊं। और आज का जो एजेंडा हमारा है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ऑफ कोर्स हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इसका डे वन, दैट मीन्स कल हम लोगों ने इसके कुछ सवाल देखे थे। आज भी हम लोग लगातार सेशन में कुछ बेहतरीन सवाल और कुछ बेहतरीन अप्रोच सीखेंगे। कल भी हमने बहुत बेहतरीन अप्रोच सीखा है और उसी को कंटिन्यू रखेंगे। आज भी हम लोग हर एक सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेस्ट अप्रोच लेके आएंगे, उसे डिस्कस करेंगे और अपनी जीत के करीब पहुंचेंगे। और साफ साफ दिखा हुआ भी है, जिद है तो जीतेंगे, जिद रहेगा तभी जीत पाएंगे, अदरवाइज आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है। जो जिद्दी है वही जीतेगा, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इंस्पायरिंग वर्ड्स का। जब तक मैं आगे बढ़ूं, तब तक अपने तरफ से अपना काम कर दिया करो, जो है कि आपको लाइक और सेशन को शेयर करना है। तो लाइक करो तो फटाफट सेशन को और शेयर कर दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जो आज के इंस्पायरिंग वर्ड्स में लिखा गया, ये लिखा गया बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, बहुत ही अच्छा बात लिखा गया, जिससे कि आप सीख सकते हैं अच्छा खासा कुछ। ये कभी मत सोचो कि एक महीने में या फिर एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि सिर्फ 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। मतलब कि ये जो बात लिखी गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को इस बात से क्या सीख लेनी चाहिए। स्टूडेंट को यहाँ पे सीखना ये चाहिए कि भाई हम टारगेट बेस्ड स्टडी करें, हम बहुत लंबा चौड़ा हम प्लानिंग ना करते हैं। होता ना, कई बार बच्चे प्लानिंग करते हैं कि भाई मैं तो सुबह में इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे मैं लंच करूंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे डिनर करूंगा, सब कुछ प्लानिंग होती है, मुझे घूमने जाऊंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, ये सारी प्लानिंग लिस्ट बनी रहती है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसका रीज़न यही है। मैं कहता हूं कभी मत ऐसी प्लानिंग करो। बहुत लोग यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं टाइम शेड्यूल फॉर स्टूडेंट। अरे भाई, स्टूडेंट का एक कॉमन शेड्यूल कैसे हो सकता है सारे स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे टारगेट के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि आपको करना चाहिए और यही बात इसमें कही भी गई है। बस ये देखो कि आज जो आपका डे शुरू हुआ है, आज के दिन को आप कितना प्रोडक्टिव बना सकते हो, आज आपने क्या क्या सीखा, क्या आपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में कुछ हेल्प किया आपने खुद का, बस ये बात सोचना और इसकी तरफ से आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आप एक एक दिन करते करते, मैं कहता हूं एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते का, चार दिन का, पांच दिन का, ऐसे प्लानिंग किया कीजिए कि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है अगर, तो हम इस चैप्टर के साथ जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, फिर जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तो उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लेके चलते हो, उस सेगमेंट बाई सेगमेंट मतलब टारगेट अगर बनाते हो, तो फिर आप उसके लिए आराम से करीब पहुंचोगे अपने लक्ष्य के। मतलब कि प्लानिंग कभी बहुत बड़ी मत कीजिए, प्लानिंग बहुत स्टैंडर्ड कीजिए, ऐसा कीजिए टारगेट बनाइए उसको पूरा कीजिए, फिर अगला टारगेट बनाइए उसको पूरा कीजिए, ये काम होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ओके, सुना मैं कुछ ग्रीटिंग्स लेता हूँ। गुड मॉर्निंग अमित यादव, गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग इमरान अंसारी, गुड मॉर्निंग रश्मि, पूजा, अदिति, प्रियंका, बहुत बढ़िया सभी लोग को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और इसमें पहुंचने में मदद करेगा क्या, आपका ये जो फिलहाल चल रहा है ऑफर्स और ये चल रहे हैं आपके बैच, मतलब ये बैच है, मैं लिख दिया हूँ बैच विच मे हेल्प यू, ये बैच आपको मदद कर सकता है। ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, मैथ्स की क्लास कल से शुरू हो चुकी है, रीजनिंग इसमें 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। टाइम इस बैच का क्या है, 4 से 7:30 रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे। ये बैच कब से कब चल रही है, मंडे टू फ्राइडे ये बैच चल रही है। डेडिकेटेड है किस चीज़ को, IBPS, RRB, PO और क्लर्क को डेडिकेटेड बैच है। उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैटर करेगी, उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं ये बैच टारगेट करके चल रही होगी। और ये बैच कब से शुरू हो रही है, 10 जुलाई से, कल से शुरू हो गई है बैच। जो बच्चे चाहते हैं अपने आप को एनरोल करना इस बैच में, ऑफकोर्स एनरोल कर सकते हैं अभी भी, बिकॉज अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कल की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास और खासतौर पर उसका जो रिकॉर्डिंग है, अगर वो एक लेक्चर भी हो गया होगा, क्लास भी हो गई होगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी आराम से। बिकॉज पेड क्लास सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आपको एक सेक्वेंस, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चली जाती है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉजिटिव आउटपुट्स हैं हम जब पेड बैचेज में होते हैं तो होता है। और एक बॉन्डिंग जो बनती है फैकल्टी और टीचर स्टूडेंट के बीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, अपने फैकल्टी से कनेक्टेड रह सकते हैं, जो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी प्रिपरेशन में। जो कोच का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बैच में मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा हर एक स्टूडेंट को जो भी RRB को टारगेट कर रहा है, RRB PO और क्लर्क को टारगेट कर रहा है, उसको इस बैच में होना चाहिए। मतलब मैं तो कहूँगा, बिकॉज ऑफकोर्स हम दोनों फैकल्टी, जो हमारे पास सुमित सर हैं मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैं इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और ये बैच स्टार्ट हो चुकी है कल से, आराम से इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो खुद को। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि U188 ये मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को
इस बैच में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है U1EE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के एजेंडा की बातें करते हैं। आज के एजेंडा में क्या क्या बातें रखी गई हैं, मतलब आज के एजेंडा में दो बातें रखी गई हैं। वही एक तो पहली बात यह है कि भाई टू डिस्कस बेस्ट अप्रोच एंड ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दूसरी बात यह है, आज मैंने ऐड किया है, कुछ बच्चों ने कल कहा था कि सर स्टॉप वॉच लगाया जाए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऑफकोर्स विल यूज स्टॉप वॉच इन ईच क्वेश्चन टू फील एग्जामिनेशन क्लोजली। हम परीक्षा को और करीब से समझने के लिए, देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें आज स्टॉपवॉच लगा रखा हूँ। हाँ, स्टॉपवॉच में टाइम जो रखा हूँ फिलहाल मैं 30 सेकंड का रखा हुआ हूँ, आगे ये और घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज 30 सेकंड दे रहा हूँ बिकॉज पहला है, ठीक है, ठीक है, ओके, चले आगे बढ़े। सो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, अपनी क्लास की फीस भर दीजिए जो कि लाइक और शेयर होता है, और दूसरी बात नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए बिकॉज पहला सवाल आपके सामने आएगा और बेहद समय के साथ आएगा, मतलब बेहद कम समय के साथ आएगा, 30 सेकंड के लिए आपके पास वो स्क्रीन पर रहेगा। और इस तरह से मैं 5 सवाल आपके पास बारी बारी से रखता जाऊंगा, आप एक एक सवाल का आंसर नहीं करेंगे, आप 5 सवाल का आंसर लिख देंगे, जब 5 सवाल हो जाएगा फिर एक एक सवाल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्लियर है, ओके। चलिए सो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे और इसका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम अप टाइम अप टाइम अप हो चुका है, जल्दी करो, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1, 0, टाइम अप, क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉल्व कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक। आगे बात करते हैं, कमेंट नहीं करना है अभी आपको, कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सो टाइम ऑफ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, एक एक सवाल हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहले 5 सवाल हम पूरे कर लें इस सेट के 5 सवाल को, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है और इसका समय शुरू होता है अब, आंसर अभी नहीं करना है, आप आराम से एकदम परेशान मत होइए, आंसर मत कीजिए अभी, आप 5 सवाल के आंसर अपने पास लिख के रखिए आप, और एक साथ सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग। मैंने पहले ही कह रखा है इस चैप्टर में हिंदी में सवाल को कन्वर्ट करना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ, बाकी अगले चैप्टर से आपके सवाल जो होंगे हिंदी में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है और इसका समय शुरू होता है अब, जल्दी से कीजिए प्लीज। समय का प्रेशर को समझिए, समय के प्रेशर को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर हमें आंसर करना पड़ेगा, मतलब विद इन द टाइम लिमिट वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन। टाइम अप फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 5 और यहां पे समय शुरू होता है अब, जल्दी कीजिए। इस तरह के सवाल हमेशा आपको अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने मिलती है, हमेशा, मतलब आप इससे मुकर नहीं सकते कि ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिखने वाली है, सवाल एग्जामिनेशन में हमेशा दिखेगी, इस तरह के सवाल हमेशा पाए जाते हैं, मतलब फिक्स है, प्रीलिम्स में जाओगे इस तरह का एग्जैक्ट सवाल, हूबहू सवाल आपको नजर आएगा। ओके, चलिए समय समाप्त हुआ, मैं मूव करता हूं पहले सवाल की तरफ और एक एक करके मैं सारे सवाल डिस्कस करूंगा अभी आपसे, जो भी सवाल आपके पास दिए गए 5 सवाल, इन 5 सवाल को डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला सवाल क्या कह रहा है, मैं इन सवाल को हिंदी में समझाऊंगा बतौर, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, सवाल को मैं पूरे हिंदी में समझाने वाला हूं। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड इफ द सेकंड डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन है यहाँ पे,
और कह रहा है कब ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे हम लोग, जब हमारे पास एडिंग वन टू ईच नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब सारे नंबर में हमारे पास जो भी फॉलोइंग नहीं, ईच ऑफ द नंबर्स, सारे के सारे नंबर में अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं एक, तो बताइए सारे नंबर में हम एक जोड़ देंगे तो बताइए ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा उस ग्रेटेस्ट नंबर का कौन है। ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 8, 3 और यहाँ पे 9 है, और हमारे पास जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर यहाँ पे कौन है, लोएस्ट नंबर आपके पास है 275, राइट। तो हमारे पास अब इसमें हम एक जोड़ भी देंगे तो क्या मतलब बताए, जो एक जोड़ेंगे वो लास्ट में जुड़ेगा ना भाई, जो एक जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या बोल रहा है, जो हमारे पास सेकंड नंबर है, सेकंड डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दैट मीन्स कि 3 विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग 1 टू ईच, अरे 1 जोड़ा जाएगा तो लास्ट में होगा ना वो चीज, बात समझ में आ रही है, वो लास्ट में जुड़ेगा वो चीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखिए 9 है यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 40 हो जाएगा ये, दैट मीन्स ये 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से 7 में से, 7 में से 3, 4 घटाएं कितना बचेगा 3, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3। बात समझ में आ रही है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 हियर, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3। आई होप आइडिया क्लियर, सभी को आइडिया क्लियर है, डी इज नॉट करेक्ट आंसर। अगर आप 4 में से 3 घटा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, यही तो मिस्टेक कराना चाह रहा है एग्जामिनेशन आपसे, एग्जामिनर आपसे यही मिस्टेक कराना चाहेगा। आप लोग में से बहुमत लोगों ने ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है 4, जबकि गलत आंसर है वो, कहा है कि आफ्टर एडिंग 1 टू ईच द नंबर, ईच ऑफ द नंबर, आपको तमाम नंबर्स में से एक एक जोड़ देना है, सबको जोड़ेंगे, दैट मीन्स हाईएस्ट नंबर कौन है 339, इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 840 हो जाएगा ये, और 275 में हम एक जोड़ेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 276, लेकिन सेकंड नंबर पर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे 339 में जहाँ पर यूनिट डिजिट आपका जो है वो 9 है, वहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, इन द सेंस वहाँ 40 हो जाएगा, तो हम इस पर ध्यान रखना था बस, 7 - 4 करेंगे बचेगा 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आइडियाज क्लियर नाउ, ठीक है बात समझ में आ रही है। तो यही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है जब आप सवाल कर रहे होते हैं, ध्यान रखिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और इसका डिस्कशन हम कर लेते हैं फटाफट, टाइम तो इसका दे रखा था, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। कहा गया है कि इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज्ड, विच नंबर विल बी द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट चेक करना है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करो आप, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है बस सभी नंबर में, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, हमें देखना है भाई तीसरे नंबर पे है कहाँ पे, सबसे हाईएस्ट कौन है यहाँ पे 9, 9, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमारे पास बचेगा ऑफ कोर्स 7, दैट मीन्स कि हमारे पास थर्ड हाईएस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था ये वाला, बिकॉज हाईएस्ट हमारे पास कौन रहेगा 8, 9, 8, 5, इसको 9, 9 यहाँ पे जाएगा, 9, 8, 5, 9, 8, 5 बन जाएगा ये, ये क्या बन जाएगा आपका 9, ये क्या बन जाएगा आपका 9, 3 और 8 बनेगा, यहाँ पे 9, 8, 5 है, यहाँ पे 9, 8, 3 है, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सबसे हाईएस्ट, ये आपका सेकंड हाईएस्ट, और ये क्या बनेगा आपका 7, 2, 4, ये आपका थर्ड हाईएस्ट, दैट मीन पूछा गया थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो हमें इसमें पूरा लिखना नहीं है, हमें इसमें स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है, हमें बस देखना यूनिट डिजिट जो आपके पास जो सबसे लास्ट में दिख रहा है जो डिजिट, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, और यही पहला बनने वाला है, यही पहला बनने वाला है, यही पहला बनने वाला, थर्ड कौन आ रहा है भाई 7 आ रहा है, दैट मीन 7 यहाँ पे आएगा, दैट मीन हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो रिएक्शन टाइम को कम करना है, जब भी हम आरआरबी एग्जामिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो रिएक्शन टाइम मस्ट बी वेरी मच लेस, मतलब रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए, बस आपको सॉल्व करने आता है, ये मैटर नहीं करता है आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, ये मैटर करता है, बिकॉज आरआरबी पीओ या क्लर्क की बात करें, हम दोनों अपने अपने जगह पर जो सवाल पूछते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, बाकी के पीओ एग्जामिनेशन से ईजी रहते हैं, बाकी के क्लर्क एग्जामिनेशन से ईजी रहते हैं, आरआरबी क्लर्क की एग्जामिनेशन में जो पेपर होते हैं, बस आपका एजेंडा स्टूडेंट का टारगेट ये होना चाहिए कि भाई साहब मैं जो सवाल करूंगा वो बाकी लोगों से कम समय में करूंगा, अगर इस इंटेंशन को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो आपके बेहद आसान होगा ये काम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 को सवाल को शुरू कर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे बोल रहा है कि इफ ईच नंबर, इफ इन ईच नंबर, तमाम नंबर्स में, सभी नंबर्स में से हम क्या करें, अगर सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करते हैं आपस में, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं, व्हिच विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, किसी और को नहीं, सेकंड और थर्ड को, तो बोल रहा है सेकंड हाईएस्ट क्या रहेगा, फिर हमारे पास देखो अगर यहां पे चेंज दिखाया तो भाई ये तो 4 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा, और ये हमारे पास 2 ही रहेगा, और ये बदलाव कहाँ हो रहा है, तो ऑफकोर्स बदलाव हो रहा है आपके पास, हाईएस्ट कौन रहने वाला है, हाईएस्ट आपके पास 8 ही रहेगा, यही रहेगा ये एग्जैक्टली यही रहेगा आपका हाईएस्ट, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में चेंज हो रहा है तो हाईएस्ट से फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका, यहाँ पे 8 जो रहेगा यही हाईएस्ट रहने वाला है, जो चेंजेज आए, जो आंसर होने वाले वो इन दोनों में से कोई होने वाला, बिकॉज आपके चेक करना पड़ेगा कौन इसमें बड़ा है, यहाँ पे 5, 9, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 1, 8 हो जाएगा, आंसर विली 5, 9, 5, 8, 9, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, बस सिंपल ऑब्जर्वेशन है आंसर करना है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 5, 8, 9 और यहाँ पे 5, 8, 1 फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 9 और 8 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 1, 8 को इंटरचेंज करेंगे, पहले से भी आपका सेकंड हाईएस्ट कौन था, यही था, मतलब कि देखा जाए तो 5, 8, 9 था भी, और चेंजेस जो कहा गया, जो डिमांड की गई है सवाल में, उस चेंजेस के बावजूद भी हाईएस्ट कौन है यहाँ पे 5, 8, 9 ही रहने वाला, मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। आई होप आइडियाज क्लियर।
सो एक्यूरेसी के साथ साथ रफ्तार, रफ्तार से बहुत इंपॉर्टेंस है, रफ्तार की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे फटाफट, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने आपको दे दिया था आराम से सॉल्व करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे, ये सवाल थोड़ा सा जटिल दिख रहा है मुझे, बहुत सारी बातें कहने कही है कई यहाँ पे। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, दैट मींस नाउ यू विल हैव टू रिएक्ट इन दिस वे। अगर मान लो कि पहले डिजिट सभी नंबर में से पहले के पहले डिजिट से अगर दो घटा देते हैं, देन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, विच आर द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट। अब यहाँ पे दो दो काम टास्क दे दिया आपको, कह रहा है सबसे छोटा कौन बनेगा, कब, जब हम पहले डिजिट समय से हम घटा देंगे क्या दो, अब दो घटाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, दो बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दो, और यहाँ पे इसको चेंज भी करना है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप लिखेंगे इस सवाल में को लिखना पड़ेगा, जहाँ जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो रफ शीट में क्या करेंगे आप, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 722 ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप, इसमें से घटा रहे हैं हम लोग, तो इंटरचेंज भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे बोल रहा है 183, ठीक है, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 738, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 750, ठीक है, सॉरी 570, 5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 570, यहाँ पे 20 हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 98, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। अब हमें क्या पूछा गया, हाई सेकंड हाईएस्ट, दैट मीन्स कि आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट, सॉरी लोवेस्ट पूछा गया, तो लोवेस्ट हमें पहले ही मालूम चल चुका था, लोवेस्ट हमारे पास 183 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लोवेस्ट बोला गया है। तो हम ये नहीं कि एक एक स्टेप करेंगे, बच्चे क्या करते हैं एक एक स्टेप पूरा करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे वो पहले चेंज करेंगे, इसको घटाएंगे, पहले बच्चे ऐसे लिखेगा 427, इसको चेंज करेंगे 227, फिर लिखेंगे 722, ऐसे नहीं करना है यार, ये नहीं, इसको हटाइए डायरेक्टली, ऐसे कीजिए आप ये काम, आपको एक स्टेप कम से कम कर्म करना पड़ेगा, मैंने बाकी लोगों से आप एक स्टेप कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने जो यहाँ पे ये जो काम किया मैंने यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज आपको मालूम है कि इससे छोटा तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये वाला जीडी जो है वो पहले आने वाला है, दैट मीन्स हमसे लोएस्ट पूछा गया तो 1 यहाँ पे जाएगा डायरेक्टली, हम यहाँ पे घटाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे यहाँ पे, राइट। आई होप आइडियाज क्लियर, लोएस्ट पूछा गया यहाँ पे, सबसे कम पूछा गया है, लिखने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में, लिटरली इस सवाल में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें देखना भाई पहला कौन बनने वाला है, तो ये इसको हम घटाए उधर, अगर इसको हम इसको इसमें दो घटा रहे हैं पीछे लेके जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें, जो हम टास्क कर रहे हैं यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ देखना है कौन सा डिजिट पहले आने वाला है, इंटरचेंज कर रहा है फर्स्ट और आपके लास्ट को, राइट, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर, दैट मीन्स कि आपका जब ये 1 यहाँ जाएगा तो इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म हो गया। सो यू विल हैव टू बी अ बिट स्ट्रेटेजिक, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे 275 में से माइनस करना था, हाँ तो दो माइनस करेंगे, एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकती है कि सर दो माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है ना 5 यहाँ पे आने वाला है ना, 5 यहाँ आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ माइनस करने का, ठीक है, नहीं 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 यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड यहाँ जब बोला है, फर्स्ट हम इसको बोलेंगे थर्ड इसको बोलेंगे, 427 हम यहाँ पे 4 में से दो माइनस करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब स्टेप जो हम कर रहे हैं इसको नहीं करना है, हमें स्टेप्स घटाना है, अपने स्टेप्स को स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत घटाना है, सवाल का रियल इंटेंशन जो उसको समझ के आंसर करना है। हाँ महेश कह रहे हैं सर हम लोग बैल बुद्धि लगा देते हैं, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है आइए सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर आपके 4 आपके हो गया है, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी देखिए सवाल करेक्ट आंसर क्या हो गया। बोल रहा है कि इफ ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, अगर हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो विच आर द फॉलोइंग विल बी थर्ड लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट तो यहाँ पे कंफर्म है कि यही होने वाला है आपका, सेकंड लोवेस्ट जो होने वाला है आई थिंक 247 ये होने वाला है, और थर्ड लोवेस्ट जो आपके पास होने वाला है 257 यही होने वाला है, दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 275, बात खत्म, इतना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको। बच्चे परेशान रहते हैं सर नंबर वाले सवाल में, तो बहुत परेशान करता है सर, नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करता है, ये करता है वो करता है, कुछ नहीं करता है, अगर आप सवाल को ऑब्जर्व करें पूरा बैल बुद्धि वाला दिमाग ना लगाएं, सब कुछ यहाँ पे डायरेक्टली ना करें तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। सीधा लास्ट डिजिट चेक करना था पिछले सवाल में, और यहाँ पे भी वही चेक करना है कि भाई सबसे कम संख्या किसके पास है, तो 1 यहाँ पे है, बाकी ये सब तो बड़े बड़े संख्या हो जाएंगे, ये तो हटा ही दीजिए, बचा आपके पास 427, यहाँ पे 274, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, थोड़ा सा यहाँ पे तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 247 होगा, यहाँ पे 257 होगा, तो क्लोज ऑप्शन जो था हमारे पास ये दोनों में से हो सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 257, यहाँ पे 257, यहाँ पे हमारे पास 247, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी आपका बोला गया थर्ड लोवेस्ट, दैट मीन्स हम चलेंगे यहाँ पे आपके पास 257 पे, दैट मीन्स 275 विल द करेक्ट आंसर, दिस इज हाउ वी नीड टू रिएक्ट इन द क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। सो अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए क्या अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए तैयार है, और अपनी एक्यूरेसी जरूर बताएं आप लोग बाद में कि सर मेरे 5 में से कितने सही हुए, और विद इन द समय बनाया था तब सही हुआ था, दोबारा मैंने पेन नहीं चलाया है, कोशिश कीजिए कि जब हम सवाल कर रहे हैं उस वक्त जब मैं टाइमर लगाता हूं उसी वक्त सवाल कीजिए, दोबारा हाथ मत लगाइए सवाल में, आप चेक कीजिए कि आप विद इन द समय कितना सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं,
क्योंकि ये आप ही के लिए है, ठीक है, क्लियर है बात, जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है बात यहां तक, आगे बढ़े, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाए स्क्रीन पे। मौसमी पॉल कह रही है सर प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर फोर, नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या चेक करना है बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब कुछ ठीक है उसमें, आगे बढ़ते हैं, रेडी, और कोशिश कीजिए कि ईमानदार रहिए अपने आंसर्स को देने में कि भाई कितने सवाल आपके सही हुए, और टाइमर जब खत्म होता है उसके बाद में जब मैं डिस्कशन करने आता हूं तब सिर्फ सुनिए, उस वक्त सवाल को सॉल्व नहीं करना है किसी को, ठीक है। हाँ, सो ये 3 out of 5 या फिर 4 out of 5 या 2 out of 5 जो बन रहा है इसको 5 out of 5 में कन्वर्ट करना है। आज के सवाल में ज्यादातर सवाल ऐसा रखा हूं जो आपके जो नंबर से बेस्ड होंगे, लेकिन अभी एक सवाल जो मैं सेटअप करने वाला हूं वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा फिर से, लेकिन उनके सवाल जो होंगे थोड़ा इनोवेटिव होंगे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इनोवेटिव सवाल होंगे जो हम आगे करने वाले हैं, तो थोड़ा अपने समय का ध्यान रखिएगा, समय के बाउंड्री में ही सवाल को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको एक बार जरूर कह दूं मैं ये बात, ऑफकोर्स संदीप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाइक और शेयर करो यार, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 473 पीपल आर वॉचिंग बट यहाँ पे 274 यहाँ पे लाइक्स हैं, ये गड़बड़ चीज़ है, अपना कम काम कर दिया करो, डेली बोलना ना पड़े मुझे, अब होता ना क्लास करने आए भाई अपना लाइक वाइक खोल के बैठ गया क्लास में आराम से, बस सिंपल सी बात है, छोटा सा काम है ये, राइट, रेडी स्टडी एंड पो पो, ओके पो मीन्स जाना है ना, ओके चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपके स्क्रीन पे है और उसका समय शुरू होता है अब, रेडी स्टडी एंड गो। मौसमी पाल उसमें हमें 4 में सब्जेक्ट करना था ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें हमें इंटरचेंज करना था, तो 4 से सब्जेक्ट करेंगे तो उसको लास्ट में जब लोवेस्ट हाईएस्ट पूछ रहा है तो भाई जो हमारे पास जो लास्ट का नंबर जो फर्स्ट में आएगा उससे फर्क पड़ेगा ना। सौरभ वर्मा ऑफ कोर्स आई विल ट्राई यार, इस तरह के सवाल में थोड़ा सा हिंदी कन्वर्जन दिक्कत होती है, मैं आपसे बोल चुका हूं ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, अदरवाइज मैं हमेशा कर देता हूं, बाकी सब तमाम चैप्टर से मिलेंगे आपको हिंदी में सवाल, यहाँ पे जो प्रीसीडेड फॉलोड इमीडिएटली फॉलोड ये सब जो वर्ड आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है वो उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने में, ठीक है। चलिए टाइम अप हो चुका है, नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं, सवाल नंबर आपका 7 आपके स्क्रीन पे है और उसका समय शुरू होता है अब, जल्दी फटाफट रफ्तार में करना, रफ्तार से बातें करनी है, ध्यान के रफ्तार से बातें करनी आ जाएंगी तभी आप सवाल में इस एग्जामिनेशन में जीतेंगे, बात समझ में आ रही है। हाशिम बिल्कुल मैं यार समझ रहा हूँ हिंदी वाली प्रॉब्लम, मैं इसलिए सवाल को पूरी हिंदी में समझा रहा हूँ, तो मेरे पास सवाल में बने रहिएगा, आप जितना कर पा रहे हैं कीजिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हिंदी में सवाल लेके आऊँ और लगभग लेके आता ही हूँ मैं, इस चैप्टर में थोड़ा सा जो हिंदी है तो टिपिकल होता है इस सवाल, इस चैप्टर का हिंदी जो कन्वर्जन होता है इसलिए नहीं हो पाया है, कोई इशू नहीं है, जो नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे उसमें आपके हिंदी में सवाल बिल्कुल मिलेंगे आपको, या तो हम अच्छे सवाल लेके आ जाए या हिंदी में सवाल लेके आ जाए, दोनों में से एक चीज चूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए समय शुरू होता है आपका, सॉरी समय समाप्त हो चुका है, मूव करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 का समय शुरू होता है अब, जल्दी से सवाल कीजिए, 30 सेकंड का टाइमर लगा रखा है मैंने आपको, 30 सेकंड आपके लिए काफी बेहतर समय है, इसको आप खींच के 20 सेकंड तक लेके आएंगे हम, नेक्स्ट वाला जब मुक करेंगे अगले शनिवार का जो मुक कर रहे होंगे हम लोग, इस बार तो मैं मुक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले शनिवार जब मुक करेंगे लाइव मुक, तो उसमें मैं 20 सेकंड रखूंगा तमाम सवाल के लिए, 20 सेकंड से अधिक का समय नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ओके टाइम अप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, उसका समय शुरू होता है अब, टाइम अप, सिर्फ 6 सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, अभी आंसर करने की आवश्यकता वैसे नहीं है, आप बाद में आंसर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल शुरू होता है आपका, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे और इसका समय शुरू होता है अब, जल्दी से, आपको थोड़े नए टाइप के सवाल नजर आ रहे होंगे इस वाले में, राइट, थोड़ा सा नया सवाल तो जरूर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सवाल का थोड़ा सा अलग है इस वाले सेट ऑफ क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल है तो वैसा ही रखा हूं, बिल्कुल सिमिलर के टाइप नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल रखा गया,
तो ये पांच सवाल जो आपको दिए गए, इसके समय हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे अब सवाल नंबर छः की तरफ, और सवाल नंबर छः से लेकर दस तक की चर्चा करते हैं। बहुत आराम से सुकून से चर्चा करेंगे ताकि सभी बच्चे अच्छे समझ पाएँ सवाल में किस तरीके से हम आसानी से निकल सकते हैं बच के, समझ रहे हैं, बच के मतलब आंसर करके निकल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पे है। एक आपके सामने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर सेकेंड टू द राइट ऑफ नंबर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई सिंबल। बात समझ रहे हैं, सवाल बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन विच आर सेकेंड टू द राइट ऑफ अ नंबर, सेकेंड टू द राइट ऑफ अ नंबर दैट मीन्स सेकेंड टू द राइट दैट मीन्स नंबर अगर कोई मिलेगा उसके सेकेंड राइट दैट मीन्स यहाँ वाला एलिमेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल दैट मीन्स कि ये जो आपके पास विच आर सेकेंड टू द राइट ऑफ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, हमें क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे। जैसे हमारे पास देखा जाए यहाँ पे तो क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे थ्री है और इसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे टारगेट इसको करना है, नंबर को टारगेट करना है, ऐसे सॉरी अल्फाबेट को टारगेट करना है। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, अल्फाबेट हो उसके बाद नंबर हो उसके बाद एक गैप हो, ठीक है ना। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर सेकेंड टू द राइट ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स नंबर है यहाँ पे अल्फाबेट है और इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, और वो अल्फाबेट जो होना चाहिए वो आपके पास सिंबल से फॉलोड होना चाहिए। दैट मीन्स ये सिनेरियो यहाँ पे एक गैप रख दिया गया है। हमेशा क्या होता था नंबर के बाद यहाँ पे तुरंत हम लोग अल्फाबेट और सिंबल ऐसे सवाल किया करते थे, इस बार सवाल में थोड़ा सा टफनेस बढ़ गया है। आपके पास नंबर के बाद एक गैप हो फिर अल्फाबेट हो और फिर सिंबल हो, ये सिचुएशन वो चाह रहे हैं कि हम अराइज करें, ठीक है। ऐसा सिचुएशन कहाँ बनने वाला है इसको चेक करना है, ठीक है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इस सवाल का। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी अल्फाबेट, दैट मीन्स अल्फाबेट हम ढूंढ रहे हैं, अल्फाबेट के बाद एक गैप के बाद सॉरी नंबर के बाद एक गैप हो फिर एक अल्फाबेट हो, नंबर के बाद एक गैप हो फिर अल्फाबेट हो नहीं, नंबर के बाद एक गैप हो फिर अल्फाबेट हो नहीं, नंबर के बाद एक गैप हो फिर अल्फाबेट हो नहीं, नंबर के बाद एक गैप हो फिर अल्फाबेट हो, हाँ नंबर के बाद एक गैप फिर अल्फाबेट और फिर सिंबल, ये आपका एक ग्रुप मिल गया। मतलब कि एक मिला आपको थ्री वाई और एम्फेसेंट, अगला क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे नंबर के बाद अल्फाबेट और यहाँ पे हमारे पास नहीं मिल रहा है कुछ भी, मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है नंबर के बाद एक गैप और फिर यहाँ पे लेटर और फिर यहाँ पे सिंबल, दैट मीन्स कि दूसरा मिल रहा है आपको 5m और क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स कि दो यहाँ मिल पाए हमें, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज टू। आई होप आइडियाज क्लियर। सो बेहतरीन सवाल, मतलब लाजवाब सवाल, आपको थोड़ा सा इनोवेशन दिखा होगा इस सवाल में, और ऐसे सवाल आप शायद पहली बार आज देख रहे होंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल पहली बार कि भाई साहब वो लगातार इमीडिएट दोनों ही चीज़ें इमीडिएट नहीं किया उसने, सवाल में थोड़ा बदलाव किया। और मैं यही कह रहा हूँ मेरे क्लास में आप मिलोगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो बने रहना मेरे क्लास में, बने रहना मेरे सेशंस में, बने रहना मेरे क्लासेस में, हर तरह के क्लास में बने रहिए अपनी सफलता के लिए, मैं मजा बोलूंगा। और सेशन को लाइक वेयर शेयर वेयर करते रहा करो, बस इतना ही बोलूंगा मैं, ठीक है। सो 3y एम्फेसेंट 5m क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें आपके पास यहाँ मिली। सवाल थोड़ा इनोवेटिव है, नॉर्मली क्या होता था ऐसे मिला करता था नंबर के एक अल्फाबेट के इमीडिएट लेफ्ट में आपका नंबर हो, इमीडिएट आपके इमीडिएटली फॉलोड बाई क्या होना चाहिए आपका सिंबल होना चाहिए, ऐसे सवाल मिलते थे। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, इस सवाल में बोला नंबर के बाद एक गैप हो, सेकंड टू अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद सिंबल होना चाहिए। आई होप आइडियाज क्लियर। ये नहीं कर पाया था सर, एग्जैक्टली मैं फिर से सवाल को समझाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से समझाऊंगा, हिंदी अनुवाद करके समझा रहा हूं यहां पे सवाल को। सवाल में कह रहा है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो विच आर सेकेंड टू द राइट ऑफ नंबर, जो ये ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो एक नंबर के सेकेंड राइट में है, मतलब ये नंबर इसके कहाँ होगा सेकेंड लेफ्ट में होगा। मैंने सिटिंग एलिमेंट चैप्टर में इसी समझाया है, जब भी किसी को रिवर्स करना हो अगर एक ही डायरेक्शन में सब देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए सेकेंड राइट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बात समझ में आ रही है, ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, दैट ए बी जो अगर ए के दाहिने दूसरे स्थान पे है तो ए जो होगा बी के बाएं दूसरे स्थान पे हो जाएगा। सिमिलरली वही बात है यहाँ पे, हमने ए ड्रॉ कर लिया यहाँ पे और हमने एंड ड्रॉ कर लिया, नंबर यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, एंड किसके लिए होता है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट जो होना चाहिए वो सिंबल के द्वारा फॉलो किए जाना चाहिए, बात खत्म है, ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन आई सॉरी एक्सक्लेमेशन एंड यहाँ पे है एम्फेसेंट सच दैट दे आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर, ऐसे कितने सारे लेटर्स हैं एक्सक्लेमेशन और एम्फेसेंट के बीच जिसमें कि जो कि कोई भी नंबर से फॉलो नहीं की जाना चाहिए, दैट मीन्स जैसे ई है तो इसको फॉलो कौन कर रहा है, एक सिक्स कर रहा है फॉलो, दैट मीन्स एक नंबर फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम अगर जे की बात करें तो जे चलेगा, आर चलेगा, टी नहीं चलेगा, दैट मीन्स जे और आर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे एस यहाँ पे नहीं चलेगा, देखिए हमारे पास टी क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज ये फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है, नाइन के द्वारा, एस क्यों नहीं होगा बिकॉज एस किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, फोर के द्वारा। एल यहाँ पे चलेगा बिकॉज एल यहाँ फॉलो किया जा रहा है पी के द्वारा, एक लेटर है, नंबर नहीं होना चाहिए, दे आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर, ऐसा अल्फाबेट चुनिए जिसके बगल में किसके किसके बीच यहाँ पे नंबर ना हो। लेकिन ये काम कब करना है, एक्सक्लेमेशन और एम्फेसेंट वाले सिंबल के बीच ऐसे कितने सारे अल्फाबेट्स हैं, कितने सारे लेटर्स हैं जिसके तुरंत बाद नंबर ना आ रहा हो, बस इस बात को ध्यान रखना है हमें। हमें तीन मिल चुके हैं, कौन कौन मिल चुके हैं हमें यहाँ पे, हमें मिल चुका है यहाँ पे जे,
हमें मिल चुका है यहाँ पे R, हमें मिल चुका है यहाँ पे L, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ आई थिंक W भी काम आएगा, हमारे लिए यहाँ पे Y भी काम आएगा, और हमारे पास यहाँ पे आई थिंक कि Z भी काम आ जाएगा आई थिंक, राइट। हाँ Z भी काम आ जाएगा, बस यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, सिक्स, सिक्स हमारे पास, तो ऑप्शन में नहीं दिया, फाइव होना चाहिए। सिक्स होना चाहिए राइट। अच्छा एम्फेसेंट के बीच में बोला है, सॉरी सॉरी मैंने एम्फेसेंट देखा नहीं, एम्फेसेंट के बीच में बोला, दैट मींस एक दो तीन चार पांच हो गया, कंफर्म आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो ई, दैट इज फाइव। सो मैं इसको पार कर दिया, ये बाउंड्री पार कर गया था मैं, यहाँ पे एम्फेसेंट है, एम्फेसेंट के बाद नहीं देखना है ऑफकोर्स, हमारे पास एक्सक्लेमेशन से लेके एम्फेसेंट के बीच में ही देखना है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे एक बात सीखने क्या मेरी इस डिस्कशन से हमें, कि पहले हम ना एक जो क्लियर है ना आइडिया कि भाई किसके किसके बीच में, इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे फ्लो फ्लो में ज्यादा गलती कर सकते हैं, जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमने क्या देखा है यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच हमें मिल चुके हैं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फाइव। ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आठ की बात करते हैं, सवाल नंबर आठ का जो डिमांड था उसको देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर आठ में कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिटन टू द राइट ऑफ जे इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, जे के बाद, जे पहले ढूंढो कहाँ पे है, जे यहाँ पे है, बोला ऐसे कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जे के बाद, इंक्लूडिंग, दैट मीन्स कि हम किसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है सिर्फ सिंबल को, सिंबल्स को ड्रॉप कर देना, मतलब सिंबल्स को हमें इग्नोर करना है, सिंबल्स को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे जे के राइट हैंड साइड में चेक करना है कितने ऐसे हमारे पास लेटर्स हैं, हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स हैं, बिकॉज दोज एलिमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज द एलिमेंट हियर, बट वी कैन नॉट ट्रीट दिस टाइप ऑफ द सिंबल्स एज द एलिमेंट इन दिस केस, बिकॉज उसने कहा है कि आप सिंबल्स को इग्नोर कीजिए। दैट मेक्स सेंस कि हम फटाफट काउंट करेंगे यहाँ से कितने हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास पाँच तक काउंट किया, यहाँ से पाँच हमने छः लिया, छः में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल्स हटाइए पाँच हो गए, यहाँ पे हमारे पास पाँच के बाद यहाँ देख रहे हैं पाँच पाँच दस हो गए, दस के बाद यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, तो दस और चार चौदह हो गए, करेक्ट आंसर विल बी 14, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं ग्रुप में काउंट करेंगे, जल्दी काउंट करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है, ग्रुप में काउंट करना है और हमें सिंबल्स को इग्नोर करना है, बस इतना ही समझना है, अपने दिमाग को जरूर समझा देना है कि भाई किसको इग्नोर करना है, तो भाई इसको इग्नोर, बस कई बच्चे उसको लिखते हैं कई बार कि भाई सब किसको हटाना है, सीखा सिंबल को हटा के लिखेंगे फिर काउंट करेंगे, क्यों लिखना है भाई, इतने मैच्योर हम लोग हो चुके हैं कि हम आराम से काउंट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नाइन आपके स्क्रीन पे, और सवाल नंबर नाइन में कह रहा है ऑड वन आउट फाइंड कीजिए, आप क्या फाइंड कीजिए, ऑड वन आउट, हम पहले सीक्वेंस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एल थ्री एंड एम्फेसेंट दिया हुआ है, एल कहाँ पे, यहाँ पे थ्री कहाँ पे, यहाँ पे एम्फेसेंट कहाँ पे, यहाँ पे, दैट मीन्स की एल के बाद एक लेटर का गैप, फिर वहाँ पे दो लेटर का गैप, दैट मीन्स एलिमेंट बोल दीजिए, वहाँ ज्यादा बेटर होगा, एल के बाद थ्री में एक गैप, थ्री से एम्फेसेंट में दो गैप, और डायरेक्शन क्लियर है आपका, सेम डायरेक्शन में चल रहा है सब, जे आर एस यहाँ पे दिया हुआ है, जे यहाँ पे, आर यहाँ पे, और एस यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों सिमिलर हैं कहीं ना कहीं, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई भी अलग दिखा हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्यू टू ई यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू यहाँ पे टू यहाँ पे और ई यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी क्या है, सिमिलर है, दैट मीन्स ये भी मैच कर रहा है इससे, डॉलर टी एन फोर यहाँ पे, डॉलर है टी एर फोर है, ये भी मैच कर गया, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे, दैट इज डिफरेंट, राइट। बात समझ में आ रही है, एच ई जे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे ना इस बार, बस वही वाली बात है, आग लगाना भाई साहब, मतलब कि अड्डा 247 से 90% से अधिक सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब कुछ ही लोग जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से या किसी और सपोर्ट से चले, हम ये जरूर चाहते हैं कहीं से कोई भी करें, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे से जुड़ा हुआ कम से कम 90% बच्चा सेलेक्ट हो, मतलब चाहते तो दिल से यही है कि 100% हो, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे इस बार, जो पिछले बार हमने 80% सिलेक्शन दिया लगभग बैंक में जो भी एग्जामिनेशन हुए, अब बैंक में जो भी एग्जामिनेशन हुए उसमें 80% सिलेक्शन जो है अड्डा 247 का उसमें हाथ था, उसमें सपोर्ट था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ उसको 80 ऊपर 90 में कन्वर्ट करें, फिर आने वाले समय में उसको और आगे बढ़ाएं, स्टेप बाय स्टेप, हम सीधा 80 से 100 नहीं सोचेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सवाल नंबर 10, इसको भी हमने डिस्कस कर लेना है फटाफट, ये सवाल थोड़ा सा इनोवेटिव है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस बिलो, अब यहाँ पे सीक्वेंस में क्या किया गया, ऑब्जर्व करते हैं, एम यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एच कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, मतलब यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, इधर से यहाँ शुरू हुआ, नेक्स्ट हमारे पास फाइव है, इससे फाइव क्या किया, एक जंप किया, ई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जंप कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास अल्टरनेट चल रहा है एक करके, ई के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई के बाद जो एलिमेंट यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, दैट मीन्स हमें किसका अल्टरनेट चाहिए, हमें जेड का अल्टरनेट चाहिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम इधर से पढ़ेंगे नहीं, हम इधर से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते जाएंगे, जेड हो गया, फिर वाई हो गया, फिर थ्री हो गया, दैट मीन्स कि अब क्या चाहिए, हमें एल चाहिए, दैट मीन्स आंसर विल बी एल, हम इधर चेक ही नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं, हम लोग स्मार्टली काम करेंगे, स्मार्टली काम करेंगे, आंसर करेंगे, किसके अल्टरनेट में सवाल पूछ रहा है, पहले ऑब्जर्व किया सवाल, सवाल में दिया क्या है, तो अल्टरनेट वे में यहाँ पे एक पीछे से एक आगे से, मतलब दोनों तरफ से एक नंबर चुना, एक एलिमेंट चुना, और वहाँ से अल्टरनेटिव मूव करा रहा था उसको,
को. हमने क्या पकड़ा कि भाई जो क्वेश्चन मार्क जहां लगा हुआ है वो किसके ऑल्टरनेट में है, इवन ऑल्टरनेट या ऑड ऑल्टरनेट. हमारे पास एम है, फाइव है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एम फाइव और जेड जो हमारे पास इवन ऑल्टरनेट सॉरी ऑड ऑल्टरनेट है उसमें ही सवाल यहां पे लगा हुआ है, मतलब उसी में हमारे पास जो ब्लैंक है वो भरना है. इसका मतलब साफ है कि जो इवन ऑल्टरनेट चल रहे हैं उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऑब्जर्व कर लो शुरुआत में कैसे कैसे चल रहा है वहां पे. तो एच के बाद ई के बाद जे, मतलब वही सिक्वेंस है वहां पे, ठीक है ना, वही सेगमेंट से एक छोड़कर. हमने क्या किया, एम से पकड़ा फाइव, फाइव से जेड, हम उसको ज्यादा आगे बढ़ाएंगे नहीं, समय बचाएंगे, हम फटाक से आंसर कर देंगे. ऑप्शन नंबर सी एल आंसर हो गया, बात खत्म. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ आ रही है. सेवेंथ वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइव ही होगा, ऑप्शन नंबर ई ही होगा. देख रहे हो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ये सवाल कितना मतलब थोड़ा सा अलग सवाल था ना भाई, कि आपको यहां से वहां चल रहा है एलिमेंट आपको ढूंढना है तो बच्चा पूरा करेगा. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये जो सीरीज दिया गया, ये सीरीज क्या कह रहा है. इसने सीरीज दिया ऐसा कि भाई इसमें ऑल्टरनेट रखा गया एक तरफ से आगे एक तरफ पीछे से, बात खत्म है. आप ये बताइए कि आपके स्कोर क्या रहे इस बार, मतलब कि आउट ऑफ फाइव क्या रहा है इस बार का आउट ऑफ फाइव. एग्जामिनर को आग लगा के आएंगे, नहीं एग्जामिनर को आग मत लगाइए प्लीज, ऐसा नहीं करना है, बस करना यह है कि मतलब एग्जाम में फोड़ के आना है. अच्छा ये बताओ कि ऐसे कितने पापी लोग हैं जो अभी तक सेशन को लाइक वाइक नहीं किया, मतलब क्या जाता है यार, मतलब क्यों, मतलब होता है एक सवाल चलता दिमाग में भैया काहे हैं. ठीक है सर, एक बार सवाल नंबर सात चेक कर लो. नहीं नहीं सवाल नंबर सात ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, बस वहाँ मैं कहूँगा एम्फेसेंट वाला जो फंडा था ना उसके हम पहले ही कर तक रखना है बस बात. वो एम्फेसेंट वाला जो एल है वो भी काउंट होगा, एल एम्फेसेंट जो दिया हुआ है पे एल काउंट होगा, बस नंबर को इग्नोर करने बोला था, नंबर फॉलो नहीं करने चाहिए, बात खत्म है. सिद्धेश कह रहे हैं कि सर मैं बहुत तेज कमेंट आ रहा, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा सवाल, लेकिन कुछ ऐसा बोल रहे हैं आप कि सर मुझे, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे सिटिंग एलिमेंट और पजल को ध्यान से पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ. ऑफकोर्स आपको देखो जो आरआरबी की बैच है आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिना सोचे समझे उस बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं और सुमित सर पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग, हमारे दोनों चीज़ हमारे दोनों फैकल्टी हम जो दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं उस बैच को ज्वाइन कीजिए ना. उसमें देखिए सिटिंग एलिमेंट का क्लास कम से कम छः से सात क्लास रखा होगा, पजल का कम से कम छः से सात क्लास रखा होगा, आपके पास स्टडी प्लान मिल जाएगा वहाँ पे, छः से सात सात कम से कम सात क्लास होगा. अब 14 लेक्चर जो है डेढ़ डेढ़ घंटे में कितना कुछ पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं, बहुत कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगा, आपको वहां तक पहुंचा ही दिया जाएगा जहां से कि आप फायरिंग कर सकते हो, बात समझ रहे हो. अगला सवाल चलते हैं. सो नेक्स्ट सेट ऑफ फाइव क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सो आपको क्या करना है, फटाफट उन सवालों को आंसर करना है, समय शुरू होता है अब, जल्दी से फोड़िए सवाल को. अब जाके अच्छा लग रहा है, 466 वॉचिंग एंड 462 लाइक्स, अब ठीक है, बराबर चल रहा है, बैलेंस अब बन गया है, अब ठीक लग रहा है, समझ रहे हैं. तो लग रहा था कुछ लोग पाप कर रहे हैं, या तो आप पाप कर रहे हैं या मैं पाप कर रहा हूं, किसी पाप की वजह से तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ठीक है, ठीक है. ओके ऑफकोर्स एमबीए सीटी के लिए भी ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे बैंकिंग के सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहते हैं यार, सब फायदा करेगा आपको. ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है और समय शुरू होता है अब. डीजीपी ऑफकोर्स मैं कर दूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आपको डाउट है तो मैं रिपीट जरूर करूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं. पहले 15 सवाल तक पूरा कर लेते हैं फिर चलेंगे वापस पीछे, कोई दिक्कत नहीं, विल डिस्कस द 7 नंबर क्वेश्चन अगेन. टाइम अप, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए टाइम अप हो चुका है, मूव करते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका समय शुरू होता है अब, जल्दी से कीजिए. सवाल में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है रफ्तार, इफ योर रफ्तार इज नॉट अच्छा, समझ रहे हैं, इट इज बहुत खराब. सुमित सर का क्लास कब से है सर? सुमित सर की क्लास कल से शुरू हो चुकी है ना बैच में, 10th ऑफ जुलाई से उनकी क्लास शुरू हो चुकी है. आई एम एंगेज्ड सो आई विल बी, मैं बिजी हूँ थोड़ा उस टाइम पे, उस स्लॉट पे, तो इसलिए मेरी क्लास जो शुरू होगी वो होगी आपकी 16 तारीख से, मैं उस बैच में क्लास शुरू करूंगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका समय शुरू होता है अब. समय का जो जो बांध होता है ना वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने सारे सवाल में समय लगा दिया है. आप प्रेशर में सवाल को खेलिए और कोशिश कीजिए 5 आउट ऑफ 5 करने का इस बार.
5 out of 5 करना है इस पर, ठीक है? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, आप लाइक करती हैं तो आप पापी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फ्री का ज्ञान नहीं नहीं लेना चाहिए यार, सिंपल सी बात समझ लो, कुछ ना कुछ तो फीस भरना चाहिए ना, मतलब लॉजिक वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है और उसका समय शुरू हो चुका है, 28, 27, 26, 25 चलता जा रहा है, फटाफट कीजिए सवाल को बिल्कुल प्रेशर में। चले 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 वापस चले। क्वेश्चन नंबर, सर लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नाइस, ऑफ कोर्स यही तो होना चाहिए, मतलब कल के क्लास में जब सवाल लेवल था उससे थोड़ा ऊपर रहना चाहिए आज के क्लास में, ऑफ कोर्स। सवाल नंबर 11 से शुरू करते हैं बात को हम लोग। कह रहा है कि भाई हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने सम संख्या हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर और बोल रहा है प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर और फॉलोड बाय इवन नंबर, दैट मींस कि दो लगातार इवन नंबर ढूंढेंगे हम लोग और उसके पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। हम इसको अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जिस तरह से हमें आसानी लगे इसको विजुलाइज करने में, समझ देखने में, बात समझ में आ रही है। सो देखते हैं यहाँ पे कितने हमें मिल सकते हैं। तो दो इवन नंबर चूज करेंगे उसके पहले हम ऑड ढूंढेंगे, ठीक है ना, या फिर एक ऑड ढूंढिए उसके पहले, उसके बाद लगातार दो इवन, कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे हमारे पास ये ऑड बहुत सारे मिल सकते हैं लेकिन लगातार दो इवन मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, लगातार दो इवन कहाँ मिल रहा है हमें, लगातार दो इवन कहाँ मिल रहा है, ऑफकोर्स यहाँ मिल रहा है, लगातार दो इवन उससे पहले ऑड, एक मिल गया हमें, एक तो ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं, लगातार दो इवन और हमारे पास ये एक यहाँ पे ऑड मिल गया, दैट मीन्स ये हमारे पास सेकंड हो गया। आगे हमारे पास लगातार दो इवन और एक ऐड ऑड चाहिए हमें, यहाँ पे लगातार दो इवन और एक ऑड, दैट मीन्स 64 और यहाँ पे 3, दैट मीन्स कि ये हमारे पास तीसरा हो गया। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, लगातार दो इवन और एक ऑड, दैट मीन्स कि हमारे पास ये हो गया चौथा। और हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 4 विल बी करेक्ट आंसर, मोर देन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आइडियाज क्लियर। इस तरीके से करना, मतलब आपको सहूलियत के हिसाब से, अपने समझदारी के हिसाब से ऐसा क्या अपने दिमाग को समझाएं कि वो दिमाग अच्छे से जाकर रिएक्ट करे, सवाल को अच्छे से फटाफट फिल्टर कर पाए, वो आंखों को सिग्नल भेजे कि भाई साहब बस यही करना है, टेंशन मत लो, लोड मत लो, बात समझ में आ रही है। तो एक अपने दिमाग को बस सहूलियत देना है और कुछ नहीं, सवाल को पढ़िए समझिए और सहूलियत दीजिए। तो जो बच्चे हिंदी में सुन रहे होंगे, हिंदी वाले बच्चे को भी ऐसा नहीं कि सवाल बहुत कठिन लग रहा हो मेरे समझाने के बाद, हो सकता है कि उनको इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन मतलब मैं सब समझा रहा हूँ और चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। मैंने सम संख्या पूरे हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है कि ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले जो है वो ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्याएं हो, और ठीक पहले एक सम संख्या ही हो, है ना, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय प्राइम नंबर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड नंबर होना चाहिए उसके बाद ठीक पहले प्राइम नंबर, ठीक बाद में भी प्राइम नंबर, दैट इज ठीक पहले और ठीक बाद दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर जैसे हम शुरुआत करते हैं अगर यहाँ से, तो हमारे पास 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के बाद इधर इवन नंबर, 5 के बाद हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ नहीं, 5 के बाद यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। सो 5 जो है खुद एक प्राइम नंबर भी है, वो ऑड नंबर की तरह ट्रीट भी होता है। तो ऑफ कोर्स 5 हमारे पास है, 5 से पहले क्या हो गया, 5 दैट इज अगेन ए प्राइम नंबर एंड 2 इज अगेन ए प्राइम नंबर। सो वी कैन से दैट कि ऑफ कोर्स हमारा एक ग्रुप तो यहाँ मिल चुका है, हमें एक मिल चुका है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, हमारे पास यहीं बगल में दिख रहा है हमें 1 यहाँ पे, एक ऑड नंबर है, ऑड से पहले यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम हो गया, ये भी क्या है, प्राइम, दैट मीन 7 मिल गया हमें, 713 एक सेकंड मिल गया हमें। और लगातार हमारे पास ऑड नंबर ढूंढिए बीच में, ऑड नंबर कहाँ पे, ऑफ कोर्स ऑड यहाँ पे, लेकिन इवन का यहाँ पे अगर बगल यहाँ इवन दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं 7 यहाँ दिख रहा है मेरे पास, 7 का एक प्राइम नंबर है, 1 यहाँ पे हो गया और फिर से यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास 3rd यहाँ पे मिल गया। आगे हमारे पास बहुत सारे इवन नंबर दिख रहे हैं, तो लगातार ऐसा वाला काम तो हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स ऑड नंबर फिर प्राइम नंबर उससे पहले, उससे उसके बाद ही प्राइम नंबर, दैट मीन्स हम कितना मिला, 1, 2, 3 मिल गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट, बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3, ठीक है, बात समझ आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इसमें कहा है बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, मतलब उन्होंने कहा एक, सिर्फ एक होगा सर, ऐसा बिल्कुल गलत कहा है आपने, आपको यहां पे 3 आंसर करना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। सो वी आर गेटिंग हियर एक्चुअली 3, 5, 5, 2 बीच में आपका ऑड नंबर, अगल बगल प्राइम नंबर, 7, 1, 3 आपका यहां पे बीच में आपका ऑड नंबर और 7, 3 आपका क्या है, आपका प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं, 7, 1, 2, 1 आपका ऑड नंबर, बीच में आपके अगल बगल क्या दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर 7 एंड 2, ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर हो गया, गलत हो गया,
इससे ये जाहिर होता है कि आपका ऑड नंबर इवन नंबर प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। मान लें इस बात को हम लोग, तुम लोग पापी हो, इतना उम्र हो गया है, हैं इतना बड़ा हो गए हो और इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में नहीं मालूम है, क्या लगा सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? गलत सोच रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं करना है किसी को यार। बहुतों का आंसर यहां पे वन आया, कैसे आया मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। पांच में पांच का सपना टूटा, और रश्मि सिर्फ आपका नहीं टूटा, बहुतों को टूटा होगा यहां पे सपना ये वाला। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सीखना ही जिंदगी है, जिंदगी ही सीखना है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि ऑल द इवन नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर फॉलोड बाय ए प्राइम नंबर, ठीक है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग विच नंबर विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझ रहे बात, अगर इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर आ रहा है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहां पे कितने, हाउ मेनी नंबर विल बी देयर, हाउ सॉरी विच नंबर विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये सवाल पूछा गया आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहां से, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर ऑफकोर्स यहां पे है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर यहां पे है। क्या कह रहा है कि भाई ऑल द इवन नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर आर ड्रॉप, दैट मींस इवन नंबर को ड्रॉप करना है यहां पे। सो हम इस इवन नंबर को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ऑफकोर्स हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, हम आई थिंक इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ऑफकोर्स ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज फॉलोड बोला गया, फॉलोड बाई प्राइम नंबर, दैट मीन इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स हम इवन नंबर ढूंढते हैं, इवन नंबर के फॉलोड बाई प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर ऑफकोर्स यहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं। सो अब हमारे पास बोला गया 11th बोला गया है, तो बहुत दूर तक भी नहीं जाना है, हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कितने हो रहे हैं। सो एक यहाँ पे हो गए, चार यहाँ पे हो गए, चार एक पाँच हो गए, और पाँच के बाद यहाँ पे हमारे पास हैं आई थिंक पाँच के बाद यहाँ पे हमारे पास छः हो गए, छः पाँच ग्यारह, 11th बोला गया ना, 11th बोला गया, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर बोल रहा है, तो ऑफकोर्स इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर आई थिंक और कहीं नहीं दिख रहा है हमें, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर और कहीं नहीं दिख रहा है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर यहाँ भी दिख रहा है ऑफकोर्स एक, ठीक है, दैट मीन्स कि हम देखते हैं यहाँ पे कितने हो रहे हैं। सो एक और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे सेवन से पहले बोला है ना, सॉरी एक चार एक पाँच, पाँच चार नौ, दस दस नहीं ग्यारह, ग्यारह बोला गया, तो दिन सेवन्थ, तो सेवन विल बी द आंसर, ये आंसर विल बी सेवन्थ, ठीक है ना, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेवन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 11th बोला गया है, 11th कौन होगा, तो ऑफकोर्स के बाद तो आ ही नहीं रहा, हम 11th पहुंच चुके होंगे, बात खत्म है, ठीक है ना। सो दो ड्रॉप करेंगे, चार ड्रॉप करेंगे, आठ ड्रॉप करेंगे, आठ ड्रॉप करेंगे, और यहां पे हम क्या करेंगे, सेवन ड्रॉप करेंगे, सेवन ड्रॉप नहीं करेंगे, उसे पहुंच जाएंगे हम, सेवन क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, दिस सेवन मिल द करेक्ट आंसर है, सेवन हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज 11th हम प्राप्त कर चुके होंगे, हमारे पास एक चार एक पांच, पांच चार नौ, दस और ग्यारह, ग्यारहवा एलिमेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, सेवन आ जाएगा, बात खत्म, सेवन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसको ड्रॉप करना है मतलब काउंट नहीं करना है, ड्रॉप मतलब क्या हो, काउंट ही नहीं करना मैं यहाँ पे, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका समय चलाने कोई मतलब बनती नहीं है, हम चलते हैं सवाल को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सवाल में कह रहा है इफ द लास्ट 15 आर रिवर्स्ड देन विच नंबर विल बी 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो एक काम करते हैं ना, हम पहले सब यहाँ से 15 पहले काउंट कर लेते हैं, 15 काउंट कौन है भाई, 5 10 और 15, इसको हटा दीजिए, इसको काउंट ही नहीं करेंगे पहले हम लोग, लेफ्ट एंड से 21st बोला गया, तो एक काम करते हैं पहले इधर काउंट करते हैं, 5 5 10 5 15 5 4 19 19, दैट मींस कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक हो जाएगा, रिवर्स करना है उसे हमें, इफ द लास्ट 15 नंबर्स आर रिवर्स देन विच नंबर विल बी 21st फ्रॉम लेफ्ट एंड, दैट मीन्स कि हमारे पास लास्ट 15 नंबर को रिवर्स करना है, दैट मीन्स 6 विल बी कमिंग हियर, मतलब 6 मतलब ये जो हमारे पास 5 5 ग्रुप बना है, 5 और ये 5 10 और ये 15, इसमें से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 6 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, 6 4 4 ऐसे लिख देंगे हम लोग इसमें, राइट ऐसे लिख देंगे, राइट। तो हमारे पास पूछा गया है देन विच नंबर विल बी 21st फ्रॉम लेफ्ट एंड, कौन सा नंबर यहाँ पे लेफ्ट एंड से आपका होगा 21st, दैट मीन्स कि अगर 5 काउंट करें, 5 5 10 5 15 और 5 20, तुम्हारे पास 21वां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, राइट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई हियर। आई होप आइडिया क्लियर है सभी को, क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो पहले जाके पूरे सीरीज में इसको चेंज करेंगे, हम क्यों चेंज करेंगे यार, सवाल का डिमांड क्या है यहाँ पे, लेफ्ट एंड से
कितना चाहिए 21st, कितने को बदलना है 15 को, तो राइट हैंड साइड से लास्ट से हम 15 नंबर बदलेंगे तो हमारे पास लेफ्ट से पहले काउंट कर लो ना कहां तक पहुंच रहे हैं उस 15 को छांटने के बाद, तो हमारे पास 19 तो पहले मिल चुके थे हमें, यहां तक 19 हो चुका है हमारे पास, सिर्फ दो ही चाहिए ना भाई। तो एक बार देखते हैं यहां से सेकंड लेटर जो यहां से होगा, सेकंड डिजिट जो यहां पे होगा वही आंसर हो जाएगा, बिकॉज वही पहला सेकंड बनने वाला है उधर भी आके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर हो गया। बस समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 कर लेते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि इफ ऑल द नंबर्स व्हिच कम्स ऑन एट ऑड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है ना, जो भी ऑड पोजीशन पे आएगा उसको अगर हम हटा देंगे देन हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट इन द सीरीज। अब ये तो मतलब ही नहीं है हमारे पास, अभी पिछले सवाल से सीखा हम लोगों ने, वहाँ पे 19 और वहाँ 15 कितने हो गए, 19 15 29 हो गए, घट जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास, आई थिंक इफ ऑल द नंबर विच कम्स एट ऑड पोजीशन दैट मीन्स कि हमारे पास 1 इस तरह से पोजीशन पे अगर हटा देंगे तो बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट, तो सिंपल सी बात है 1 3 5 इस तरह सबको हटाएंगे हम लोग अगर, तो मतलब जितने होंगे उसका आधा बचेंगे, आधे से कम बच सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मेरे पास टोटल नंबर के लिए कितने हमारे पास यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 यहाँ पे 21 24 27 यहाँ पे हमारे पास हो गए 30 और यहाँ पे हो गए आपका 33 और 34 हैं। हम अगर ऑड हटाएंगे यहाँ से डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना बचेगा आपका 17, लेकिन हमारे पास ऑड बोल रहा है, ऑड मतलब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 34 है, 34वां क्या है इवन हो जाएगा दैट मीन्स एक कम रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 16, कितने बचेंगे हमारे पास 16, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म है। 17 नहीं होगा भाई साहब, देखो ना यहाँ पे एक इसको हटाना हमें, इफ ऑल द नंबर्स विच कम्स एट ऑड पोजीशन विल बी इग्नोर्ड, इसको हमें इग्नोर करना है राइट, ये हमारा इग्नोर करना है, इससे हमें इग्नोर करना है, दैट मीन्स लास्ट नंबर विल नॉट बी काउंटेड राइट, इवन हम 34 है ना तो 17वां तो काउंट होगा नहीं यहाँ पे, 17वां काउंट नहीं होगा तो हमारे पास बचेंगे कितने, 16 बचेंगे ना, काउंट कर लेते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, यहाँ पहुँच गए हम लोग इवन नंबर पहुँच गए है ना, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास ये काउंट नहीं हो पाए, ये हम काउंट नहीं हो पाएगा, बचेगा कितना हमारे पास एक कम रहेगा तो 16 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऐसा है ना, सही किया ना मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है यार, बिल्कुल सही टेक्निक इस्तेमाल किया हम लोगों ने, नहीं 17 भी हो जाएगा यार, सॉरी 17 हो जाएगा यहाँ पे, ये काउंट होगा सॉरी, ये भी तो काउंट हो जाएगा ना फिर, ठीक है 17 विल द करेक्ट आंसर सॉरी नहीं, लास्ट वाला काउंट हो पाएगा ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम यहाँ 16 करने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगा कि उसको हम एक कम कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोला है ऑड नंबर वाले को हटाने के लिए, ऑड पोजीशन वाले को हटाएंगे अगर लेफ्ट हैंड से तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, जितने हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दो आंसर बचेगा, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 2 के हमने 17 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स मैंने फालतू दिमाग लगा दिया एक्स्ट्रा, होता है कई बार, ठीक है ना, सही है ना, ये कोई गलती तो नहीं किया मैंने इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सीरीज है ना तो उसमें देखने में थोड़ा गलती हो सकता है, अगर देखा मैं ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ, कोई गलती नहीं है, ठीक है परफेक्ट है, बचे कितने हमारे पास 17 बचेंगे, ठीक है, पांच में पांच लाओ गब्बर खुश होगा, ऑफकोर्स सही बात है। अब ये बताओ इस पांच सवाल में कितने सवाल सही हुए आपके, जल्दी से इन पांच सवालों में कितने सवाल सही होंगे आपके हुए एसटी में, किस्मत से 3 सही नहीं हुआ है, मिस्टेक से 3 सही हुआ है मतलब कि जो भी है आपकी गलती से जो है 3 ही तक रहे आप, कोई बात नहीं है, आउट ऑफ 15 एक बार वोट आउट करो अपने को, बताओ कि आउट ऑफ 15 कहां तक पहुंचे आप, क्वेश्चन अच्छे थे ऑफ कोर्स अच्छे थे तो बढ़िया बात है, ठीक है चलिए, सो ऑफ कोर्स हम लोग इसी तरह से बने रहेंगे, ऑफ कोर्स आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन फिर से मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, ये बैच आपकी जो बैच है आईपीएस पीओ और क्लर्क के लिए जो प्रीलिम्स बैच है, इस बैच में अपने आपको एनरोल कर सकते हैं आप, और ये बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है कब से, 10th of July से, बैच का टाइम 4 PM to 7:30 PM में, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, दैट मीन्स कि 4 to 5:30 पढ़ाएंगे आपको सुमित सर, और आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको कब से, ऑफ कोर्स मैं पढ़ाऊंगा 6 to 7:30, तो मतलब आधे घंटे का ब्रेक है, ब्रेक लीजिए फिर से वापस एनर्जी में आइए और पढ़ाई शुरू कर दिए, तो ये आपके पास दोनों फैकल्टी आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको दोनों फैकल्टी पढ़ाएंगे इस बैच में, और मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा और सुमित सर पढ़ा रहे हैं, सुमित सर की क्लास शुरू हो चुकी, मेरी क्लास जो शुरू होगी वो होगी शुरू आपकी कह सकते हैं आपकी 16th of July से, सो आई विल बी फ्री बाई 16th of July फॉर दिस पर्टिकुलर बैच,
और इस बैच में एनरोल करने के लिए खुद को कोचिंग करना है, adda247.com पे जाना है, या फिर हमारे ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐप के जरिए जाने के बाद वहाँ ऑफर सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोड को U188 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ कोर्स, और अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे इनको लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा भाई जाते जाते, और दोस्तों में शेयर किया कीजिए, थोड़ा भीड़ बढ़ाइए, यहाँ पे 550 के आसपास ही लगे रहते हैं हम लोग यार, कभी 500 से ऊपर उठेंगे नहीं उठेंगे, बात समझ रहे हो क्या चाह रहे हो तुम लोग, मतलब समझ रहे हो, ये तुम लोग का भी टारगेट होना चाहिए भाई साहब। सर के क्लास में बस 500 ही बच्चा क्यों आया है, मतलब बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। जैसे आप 5 out of 4 ला रहे 3 ला रहे हैं तो ये बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, इसको आप 5 out of 5 कीजिए, और अगर 500 बच्चा यहाँ पे है इसको 1000 कीजिए, बात खत्म है, आपको भी दुगना बढ़ना है हमको भी दुगना बढ़ना है, समझ रहे हैं बात, तो थोड़ा गब्बर खुश होगा सब आशी देगा, बात समझ में आ रही है। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कब, मंडे को, मंडे मिलेंगे और फिर से धुआंधार बैटिंग शुरू करेंगे अपने आप, और आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल। लेकिन जो बच्चे सेशन को शेयर नहीं किए सेशन को शेयर कर दिए, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में जरूर बताइए इस सेशन के बारे में, थैंक यू सो मच।